नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। पीएम मोदी पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। चीन से हुई ताजा झड़प के बाद पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम मोदी शामिल होने यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने जो संदेश दिया उसकी गूंज चीन तक सुनाई देगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के दो राज्यों के दौरे पर हैं। जी हाँ, शिलांग और मेघालय। वैसे तो इन राज्यों में पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि चीनी सेना के साथ ताजा झड़प और पीएम मोदी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के बीच महज 9 दिन का फासला है, इसलिए पीएम का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से मेघालय की दूरी सड़क मार्ग से करीब 20 घंटे की है, वही अरुणाचल से त्रिपुरा की दूरी करीब 30 घंटे की है। पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल अरुणाचल के तवांग सेक्टर में हाल ही में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प ने पूरे देश का माहौल गर्मा दिया है। तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को झड़प हुई थी, जिसके बाद पहली बार पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर आकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चीन को चेतावनी भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन पर सीमावर्ती गांवों को पीछे करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर हमारी सरकार नई नीति लेकर आई है। हमारी प्राथमिकताओं, संकल्पों और कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। कनेक्टिविटी से विकसित भारत का इरादा है। सबके प्रयास से भारत के विकास का हमारा संकल्प है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले फीते काटने वाले पूर्वोत्तर आते थे। उन्होंने इस दौरान पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दे दी। भाइयों और बहनों, विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है।
संकल्प, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने वहां से भी दुश्मन देश को चेतावनी दे दी है। पीएम मोदी की बात से ये साफ समझ आ रहा है कि भारत जो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने के लिए विकास कर रहा है, उसमें कोई रोड़ा नहीं डाल सकता। और इन सबके बनने से दुश्मन देश में हलचल पैदा हो रही है, तभी बार बार चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे मुस्तैद जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।